से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी एक दो साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोर्ड से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में